आपण देखुचंती माधव टेलीविजन। नमस्कार, माधव टेलीविजन रा न्यूज टाइम को आपण मन को स्वागत करूची मु मृणमयी। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश अनुसार बालेश्वर रे गड़िलानी गोटिए भी रथ। मंदिर परिसर रे 144 धारा लागू जोगो केउठी नथिला भक्तों को भिड़। केवल टीवी परदारे श्रीक्षेत्र घोषयात्रा को देखिले समस्ते। भारतीय जनता पार्टी पक्षर बालेश्वर में पालित है बलिदान दिवस। भारत अखंडता महान जननायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान को देश केवे पासरब ना बोली वक्ता मत। विभिन्न स्थान में सदर विधायक मदन मोहन दत्त उद्देश्य श्रद्धाजलि प्रदान। तांकर नीति आदर्श को पाथेय कर बीजेपी संगठन को आगक ने गुरुत्व। वर्तमान संपूर्ण खबर। भारतर उच्चतम न्यायालय निर्देश अनुसार कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखि भक्तों बिना उपस्थित केवल पुरी श्रीक्षेत्र में मंगलवार दिन अनुषित हो विश्व प्रसिद्ध घोषयात्रा। निर्दिष्ट संख्यक सेवायत और पुलिस कर्मचारी रथारूढ़ तीन दिय गुंडीचा मंदिर पर्यंत टाणी टाणी नहीं भक्त मैंने टीवी परदार देखी। राज्यर अन्य स्थान भली बालेश्वर सहर में कौन से श्रीजगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा हो नथिबा लक्ष्य करा जायछि। रथयात्रा रे छोट बड़ रथ को नहीं जगन्नाथमय हो जाउथिबा बालेश्वर जिला मंगलवार दिन संपूर्ण फांका लगुला। प्रतिवर्ष बालेश्वर सहर बांठिया श्रीजगन्नाथ मंदिर, पुलिस लाइन श्रीजगन्नाथ मंदिर, आजुआंबा श्रीजगन्नाथ मंदिर, मंडल बजार श्रीजगन्नाथ मंदिर समेत शोभारामपुर, नुआसाही और इमामी श्रीजगन्नाथ मंदिर घोषयात्रा रे हजार हजार भक्तों समावेश होता है। पहंडी विजे ठारु मौसीमा मंदिर में रथ पहुँचवा पर्यंत भक्त मानकर गहली लागी रही थाए। एहा सहित मौसीमा मंदिर में महाप्रभुंकर नौ दिन व्यापी दिव्य उत्सव में सामिल होइथांती हजार हजार भक्त। रथयात्रु बाहुड़ा यात्रा पर्यंत बालेश्वर सहर नुहे बरं संपूर्ण जिला लीलामयंक जोगु उत्सव मुखर हो उठी थाए। मात्र महामारी कोरोना समस्त वेदना एवं कोह को चापी बालेश्वर भक्तगण सुप्रीम कोर्टर निर्देश को सम्मान जनाइबा सह प्रशासन कटकणा को मानिथिबा मंगलवार दिन बेस परिलक्षित होइछि। ए वर्ष जो परिस्थिति रे रथयात्रा होबापै निश्चित होइला जो सिद्धांत नियाइला सुप्रीम कोर्ट जो लास्ट मोमेंट जो अर्डर दिले से आम स्वागत करछु। आउ एतिकी खुशी जे जा ओडिसा रो सर्वप्रथम जो आम महाप्रभु बोली कहूँ पूरी रे सेठी जो निर्देश देखि जो तंग करछन्ते एवं से जो तंग रथ गड़ुची से आम बहुत खुश। आमर ये अन्य सब जगार बिना रथ रे बिना रथ रोड रे प्रभु कौट जाइना आमर भी सही अवस्था होती कि तुम प्रमुख ये बस कि पूजाटा कर नीतिनाति करें रोज कार्यक्रम किसी ना वर्ष किसी कार्यक्रम नहीं उच्चतम न्यायालय निर्देश को मानिबा प्रत्येक नागरिक नैतिक कर्तव्य होता बेले समूह स्वार्थ को दृष्टि रखी बालेश्वर सहर जगन्नाथ प्रेमी माने बेस निज निजर मन को बुझाई पारिथिबा लक्ष्य करा जायथिला। तेबे बालेश्वर सहर रे रथयात्रा आयोजन होइनथिले भी विभिन्न जगन्नाथ मंदिर रे केवल पूजक मानक द्वारा तीन दियंकर स्वतंत्र नीति पूजा एवं कर्मकांड होइथिला। प्रत्येक मंदिर चतुर्पार्श्वरे 144 धारा लागू होइतिबा कारणरो भक्त माने भी मंदिर भीतर को प्रवेश करि पारि नथिले।
ଏ ବର୍ଷର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କେବଳ ଏ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବାହାର ଜଣେ ଜଣେ ଠିଆ ହୋଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଲେ, ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି, ରଥ ଆମର ବାହାରି ପାରିଲାନି, କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋର ଏତିକି ଦୁଃଖ ଯେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ବାଣ୍ଠିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ରଥାରୂଢ଼ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱରର କେତେକ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ସାଙ୍କେତିକ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ସେବାୟତମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥର ଅସୀମ ମହିମା, ଅସୀମ କୃପା, ଯିଏକି ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ଆମର ମେନ୍ ଯେଉଁଠି ବିଜୟସ୍ଥଳୀ ଶ୍ରୀ ପୁରୀ ଧାମରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ମହିମା ଯୋଗୁଁରୁ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ସାରା ଭାରତର ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗର୍ବ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆମ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଭଲ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଖାଲି କେବଳ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେବଳ ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଅଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଆମର ଏଇ ଯେ କରୋନା ଯୋଗୁଁରୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଦେଶକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ କେମିତି ଦୂର ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମେନ୍ ଜାଗାରେ ରଥର ବସିଗଲେ, ଆମର ଏଇ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ କେଉଁଠି ତ ରଥଯାତ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏଇଟା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଆମେ ମାନୁଛୁ। ଆଉ ମାନିକରି ଆମେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆଉ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବା ଜେରକୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଏ। ପହଣ୍ଡି କରି ଗର୍ବ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଲେ, ଜଗମନରୁ ବାହାରିକି ନାଟମଣ୍ଡପରେ ବସିଲେ, ନାଟମଣ୍ଡପଟା ଆମର ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର, ସେଇଥିରେ ବସି ଆମେ ଉଠିବା ସେଇଟା ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ, ନେଇକି ରଥରେ ବସିବା କଥା। ସେ ରଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଗଲେ ଆମେ ଭାବି ନେଉଛୁ, ମନ ସବୁ ମାନସତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଆମ କ୍ରିୟା ଆମର ପୂଜା ସବୁକିଛି ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳରେ ଅନେଇଛନ୍ତି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ, ଆମେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେ ଭାବିଥିଲେ। ଏଥର ସେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନି କୌଣସି ଜାଗାରେ, ତ ରଥଯାତ୍ରା ବି ଆମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି କେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ବି ସିଏ ବି ଦର୍ଶନ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଛବି ଉପରେ ଟି ଭି ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବସିଥିବେ ସେଇମାନେ ସବୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ, ଏହା ହିଁ ଏ ବର୍ଷର ପାଳନ ହେଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରାୟ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 144 ଧାରାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସରୋଜନୀ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ରାୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ପୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ରଥଯାତ୍ରା ଯେପରି ଆୟୋଜନ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବବତ୍ ଯାହା ଥିଲା କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ଯାହା ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ଅଦାଲତଙ୍କର ରହିଲା ନୀତି ନିୟମ, ତାରି ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୀରୁ ତିନି ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ପୁରା ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ପାରମ୍ପରିକ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏ ବର୍ଷ ସେସବୁରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ହେଉଛି। କାଲିଠାରୁ 144 ଧାରା ଜାରି ରହିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ତ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଭିତରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇ ଯେଉଁ ରଥ ଟଣା ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଯାହା ପୂଜାବିଧି, ସମସ୍ତ ପୂଜାବିଧି ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସୁନାବେଶ ବାହୁଡ଼ା ଏଇ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ତକ ସେଇ ପୂଜାବିଧି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ କୋଭିଡ଼ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ଅଦାଲତଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସହିତ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଭାଇମାନଙ୍କର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ସୁମରି କରି ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ଆଉ ଭକ୍ତ
पाखक प्रभु नए भी प्रभु पाखे अच्छा से भक्त मान मन को बुझे वर्ष। राज्य सरकार निर्देश अनुसार बालेश्वर उपजिल्लापाल और नीलगिरी उपजिल्लापा पक्षर् समग्र जिलार देवादेवी मंदिर में मंगलवार दिन और आसंता जुलाई एक तारीख यह दुई दिन सोमवार सन्धार 144 धारा लागू कर अति बेसि दुईज सेवायत द्वारा मंदिर पूजा कार्य संपन्न सांग को भक्त मान मंदिर प्रवेश अंकुश लग जा। जनसंघर प्रतिष्ठाता महान जननायक श्यामप्रसाद मुखार्जी तिरोधन दिवस को बलिदान दिवस भाव समग्र देश में मंगलवार दिन पालित होता बेले बालेश्वर में अनुरूप प्रतिफलन लक्ष्य कर एही परिप्रेक्षीरे बालेश्वर जिला बीजेपी कार्यालय रे जिला सभापति उमाकांत महापात्र नेतृत्व में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पूर्वतन विधायक गोविंद चंद्र दास वरिष्ठ बीजेपी नेता शोभना महांती गौरांग दास विभुपद दास चंद्रशेखर नंद चित्तरंजन पंडा चंद्रबिंदु दास श्रीनिवास प्रधान रणजित पृष्टि रणजित महांती प्रमुख जोगदे अखंड भारत निर्माण में महान जननायकों उद्यम एवं बलिदान को समस्ते मने पकाइथिले। स्वर्गत मुखर्जी द्वारा प्रतिष्ठित जनसंघ पार्टी नीति आदर्श को पाथे कर सांप्रतिक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीजेपी सरकार देशवासी को सुशासन दे चली वक्ता मैंने स्वर्गत मुखर्जी तत्कालीन केन्द्रमंत्री भाव दायित्व निर्वाह करने संविधान प्रणयन कमिटी थी जम्मू काश्मीर में 370 धारा लागू को विरोध करते एमतीक परवर्ती समय संविधान रु धारा को उच्छेद करने से आजीवन चेष्टा जारी रखी एमतीक 370 धारा उच्छेद अभियान में से प्राणदान करने को पछघुंचा देन बीजेपी सभापति श्री महापात्र मोर सर्वमान्य नेता डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखार्जी जम्मू काश्मीर एक जेल रे संदेहजनक स्थित मृत्युवरण करते से जो अरेस्ट होते से जो आर्टिकल 370 को विरोध करी से जम्मू काश्मीर में प्रवेश करते से अरेस्ट करा एक संदेहजनक स्थित मृत्युवरण घटी भारतीय जनता पार्टी यही दिवस को बलिदान दिवस हिसाब से पालन करुच्ची एवं आज पाखु आमर जनसंपर्क अभियान पूरा जिला स्तर रे आरंभ हेबो ए जनसंपर्क अभियान रे आमे आम जिले में 1887 जाक बूथ रे प्रत्येक बूथ रु 100 परिवार को आमे संपर्क करिवु एवं प्रधानमंत्री उपलब्धि पत्र एवं आमर केन्द्रमंत्री कार्यकलाप जहाँ कार्य करिचंती से समस्त पुस्तिका आकार रे आमे घरे घरे बांटिबु यहाँपाई आमर योजना 10,000 प्राय 10,000 कार्यकर्ता को लेकर एक योजना प्रस्तुत करा जाई छी आमे एही काम कला बेले पूरा पूरी सोशल डिस्टेंस केमती मेंटेन होबो ताकु मध्य करिबा पई समस्त को आदेश दिया जाई छी प्रत्येक दल रे केवल दुई जन लोक जिबे एवं से माने घर घर बुलिकरी संपर्क करिबे एवं प्रधानमंत्री उपलब्धि पत्र समस्त को प्रदान करिबे एवं भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि संपर्क में समस्त को बुझाइबे एवं अवगत कराइबे तांकर एही बलिदान को ए देश केबे पासरिबो नाही बोली वक्ता माने मत प्रकाश करथिले। एही अवसर रे नीरव प्रार्थना माध्यम रे महान जननायकक प्रति समस्त श्रद्धा सुमन ज्ञापन करथिले। भारतीय जनता पार्टी पक्षर बालेश्वर सदर विधायक मदन मोहन दत्तों वियोग में विभिन्न महलू शोक सभा आयोजन एवं श्रद्धाजलि ज्ञापन करेक्षी में एक श्रद्धाजलि सभा जिला स्कूल निकट दलय कार्यालय मंगलवार दिन अनुषित हो गौरांग दास अरूप जेना अजित कुमार मिश्र चित्तरंजन पंडा सुजित देव प्रदीप पति शुभंकर महापात्र प्रबीर शंकर दास विभुपद दास नितिन साहा प्रमुख एक श्रद्धाजलि सभा जोगदे स्वर्गत दत्तों जीवन आदर्श एवं समाजसेवा धारा संपर्क में स्मृतिचारण करते जड़े सुसंगठक भाव स्वर्गत दत्तों प्रचेषार केवल सदर महकुमार नुहे बर जिले में बीजेपी स्थित आज सुदृढ़ हो पारि वक्ता मत प्रकाश करते राजनीति करने परे जनसाधारण को सेवा प्रदान और समस्या समाधान नहीं आभिमुख्य तथा कार्यधारा दलय संगठन को आग को नहीं पार्ला उपस्थित वक्ता मत प्रकाश करते आगामी दिन में किपर तर अधूरा कार्य और स्वप्न को साकार करें समस्ते एक मन एवं एक प्राण हो कार्य करने को से समस्त परामर्श देते प्रारंभ में स्वर्गत दत्तों फटोचित्रे पुष्प अर्पण करने
नीरव प्रार्थना माध्यम दिवंगत आत्मा प्रति समस्ते श्रद्धासुमन ज्ञापन करते। से हीपरी पुराणा बालेश्वर बासिंदा पक्षर् स्थानीय बाणेश्वर मंदिर परिसर में एक श्रद्धाजलि सभा अनुषित होता। सभा में गौरांग दास, अरूप जेना, अजित कुमार मिश्र, चित्तरंजन पंडा प्रमुख जोगदे स्वर्गत दत्तों जीवनादर्श संपर्क में स्मृतिचारण करते। खबर शेष करिया पूर्वरु बड़ खबर पुणी थरे। सर्वोच्च न्यायालय निर्देश अनुसार बालेश्वर में गड़िलानी गोटे भी रथ। मंदिर परिसर में 144 धारा लागू जो क्यों भक्तों भिड़ केवल टीवी परदारे श्रीक्षेत्र घोषयात्रा को देखिले समस्ते। भारतीय जनता पार्टी पक्षर् बालेश्वर में पालित है बलिदान दिवस। भारतर अखंडता महान जननायक श्यामाप्रसाद मुखर्जी बलिदान को देश केवे पासरब ना बोली वक्ता मत। विभिन्न स्थान में सदर विधायक मदन मोहन दत्तों उद्देश्य से श्रद्धाजलि प्रदान। तांकर नीति आदर्श को पाथेय कर बीजेपी संगठन को आगक ने गुरुत्व। माधव टेलीविजन न्यूज टाइम रे आज पाई इतिकी रहुची। नमस्कार।